हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर आप हम बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ एक्सेस। और हाँ गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना ताकि आप रेडियोलॉजी से रिलेटेड, पैरामेडिकल से रिलेटेड कोई भी वीडियो को मिस ना कर सको। तो चलिए गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे डायरेक्ट कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर जाकर पूछ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए गाइज, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अभी अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, एक्सरेज किस तरह प्रोड्यूस होती है। इससे पहले आप एक दो वीडियो और बना चुके हैं गाइज ये एक्सरे कोर्स के अंदर, वो आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हो, आपको पूरी प्ले लिस्ट मिलेगी। देन अभी अपनी बात आ रही है प्रोडक्शन की। तो ये प्रोडक्शन कैसे होगी वो देखिए, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैव काइनेटिक एनर्जी। ये चीज़ अपने को भी पता है गाइज की जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके जो अगर वो मूवमेंट में है या फिर कोई भी चीज़ मोशन के अंदर है ना, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी अपने को देखने को मिलेगी। और जैसे ही ये काइनेटिक एनर्जी या फिर बोल सकते हो ये तो इलेक्ट्रॉन्स कहीं हिट करेंगे, तो एकदम ये देखो गाइस, अगर गाड़ी चल रही है और एकदम ब्रेक लगा देंगे तो क्या होगा, चीज़ें क्रैश हो जाएगी ना। वही सेम चीज़ यहाँ होती है, क्रैश होती है, वो जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट और एक्सरेज में, जहाँ की 99% हीट होगी और 1% अपने को एक्सरेज देखने को मिलेंगे। देन जैसे ही वहाँ ये अपनी एनोड पे मिस टारगेट पे स्ट्राइक होगी, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये कन्वर्ट होने के बाद अपने को रेडिएशन मिलेगी, एक्सरेज मिलेंगे दो टाइप के। फर्स्ट होगा करेक्टरिस्टिक, सेकंड होगा ब्रह्मस्टर रंग। आने वाली वीडियोस के अंदर करेक्टरिस्टिक और ब्रह्मस्टर रंग के बारे में बात करेंगे, इसलिए बोलता हूँ यार अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप इस तरह की वीडियोज़ को इन फ्यूचर मिस ना कर सको। तो ये देखिए गाइज, ये तो अपने को समझ आ गया। तो अब देखो कि करंट ये अपना एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती है। ये चीज़ तो अपने बता दी कि इलेक्ट्रॉन्स फास्ट मूविंग है, लेकिन अपने ट्यूब के अंदर इनका क्या कंसेप्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अब इसके आगे इमेज में डायग्राम भी है, इसके अंदर डायग्राम है, वो भी आप स्टडी करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल करंट इज पास थ्रू द टंगस्टन, जो भी है अपना सबसे पहले कैथोड पर करंट पास किया जाएगा। तो एक बार इसको ना अपन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये देखिए गाइज, ये थोड़ा सा रफ डायग्राम है, मैंने वैसे ही बना लिया रफली। तो यहाँ देखिए अभी मार्कर कहाँ है अपना, ओके ये देखिए गाइज, यहाँ क्या है, कैथोड है। सबसे पहले कैथोड को करंट दिया जाएगा, जैसे ही कैथोड को करंट देंगे आप, करंट देने के बाद वहां क्या होगा गाइज, हीट होगा। जैसे ये हीट होगा, थर्मोनिक इमिशन के कारण ये इनकी प्रॉपर्टी होती है, तो उसके कारण ये क्या करेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे, कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। तो अब इतना होने के बाद मैंने क्या किया, अभी एनोड को करंट दे दिया, एनोड से मैं करंट को पास करूंगा एनोड से कैथोड में। तो ये देखिए गाइस, यहाँ वाला जो करंट है ना अपना, ये इधर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन से ये इधर आएंगे। इट मीन्स ये एक चीज़ अपने को प्रॉपर्टी का पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स ये अपने करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो अपना करंट कहाँ से कहाँ दिया जाएगा, पहला करंट कैथोड को दिया जाएगा जो भी अपना फिलामेंट उसको हीट करने के लिए, वहाँ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बना लिया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ से एनोड से कैथोड की तरफ करंट दिया जाएगा। जैसे ही आप एनोड से कैथोड की तरफ करंट देंगे, इलेक्ट्रॉन्स ये देखिए करंट यहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, जैसे ये आएंगे डायरेक्टली फास्ट स्पीड में होंगे और इस पर हीट कर देंगे। जैसे हीट में करेंगे ये खत्म हो जाएंगे और हीट और एक्सरेज यहाँ प्रोड्यूस हो जाएगी। ये सिंपल डायग्राम है गाइस, इसके बारे में आप इसको कितना भी बड़ा चढ़ा के देख सकते हो, गूगल पे बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे, मैंने इन सबको रिसर्च करके और एक छोटा सा अपनी नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर इसके सामने आपको प्रेजेंट कर दिया। अभी यहाँ देखो, इसके अंदर ना आपको एक फोकसिंग कप देखने को मिलेगा, ये रहा, इस टाइप से फोकसिंग कप होगा कैथोड पे। ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड बन रहे, इलेक्ट्रॉन्स बना रहे, इन सारों को एक जगह इधर अपने टारगेट पे जाने के लिए करेगा कि हाँ आप एक जगह फोकस हो जाओ, इनको फोकस करेगा, वरना ये कप नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर सारी जगह रैंडमली घूमेंगे ना, तो ये रैंडमली नहीं घूमने देगा, इनको फोकस करेगा एक जगह पर। और यहाँ ये देखिएगा, ये अपनी लेड केस है, जो भी अपनी एक्सरे ट्यूब में देखते हैं ना अपन, जो अपनी मशीन है उसमें ये लेड केस, क्योंकि उसके अंदर एक ग्लास एनवलप होगा। जो ग्लास एनवलप किस चीज़ का होगा, जो उसके अंदर कम्प्लीटली वकम देखने को मिलेगी और इस टाइप से अपने को ये विंडो देखने को मिलेगी। इन सब के बारे में आने वाले वीडियोज़ में आप इन डिटेल भी बात करने वाले हैं, एक बार बस आप प्रोडक्शन की बात करें ना, वो ये बात कर लेते हैं। तो ये सिंपल सा मेथड है, इस तरह ये एक्सरेज प्रोड्यूस होती है, आगे समझ। अब इसको ना लाइन टू लाइन क्या क्या प्रेजेंटेशन है वो देखते हैं, प्रेजेंटेशन में क्या बातें की जा रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, टंगस्टन को आप हीट करेंगे, जैसे टंगस्टन को हीट किया जाएगा थर्मोनिक इमिशन के कारण वहां इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और वहां एक क्लाउड बन जाएगा और यहां अभी करंट जाएगा एनोड से कैथोड की तरफ। और ये एक प्रॉपर्टी अपने को पता है कि जो करंट है इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। इट मींस इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, अपने कैथोड पे है और करंट अभी एनोड को देंगे, एनोड से कैथोड की तरफ करंट पास किया जाएगा। अगर इस तरफ पास किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, इसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होगा, तो कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे।
जैसे अकॉर्डिंग टू दिस व्हेन ए करंट पास थ्रू ये लाइन होगी देन इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे स्ट्राइक करेंगे और वहां रेडिएशन और अपने को हीट प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, जहां की 1% एक्सरेज और 99% हीट ही मिलेगी। देन कह रहा है कि अगर करंट और वोल्टेज अगर चेंज की जाए, ठीक है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है, एनोड से आप करंट दे रहे थे, एनोड से कैथोड में जो करंट जा रहा था उसको चेंज किया जाए, या फिर अपन जो करंट दिया था कैथोड को वो चेंज किया जाए, तो अपने को क्वालिटी और क्वांटिटी में इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्वालिटी और क्वांटिटी में इफेक्ट कैसे? अभी सिंपल देखो यार, आप क्या कर रहे थे, वहाँ इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे थे कैथोड को हीट करके, अगर आप करंट कम देंगे तो कम इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, मतलब कम इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो कम स्ट्राइक होंगे तो कम एक्सरेज निकलेगी। इट मीन्स क्या हो गया गाइज, वहाँ क्वांटिटी बहुत कम हो गई, मतलब क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है, अपनी कैथोड वाले पे। देन अभी बात आ रही है स्पीड की, मीन्स इनकी वोल्टेज की, वोल्टेज जितनी कम होगी उतनी स्पीड कम होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा करंट एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा उतनी फास्ट वो मूव करेंगे, जितने फास्ट मूव करेंगे उतना स्ट्राइक होगा और उसी स्पीड से फिर एक्सरेज का प्रोडक्शन होगा। तो ये सेम चीज़ यहाँ डिपेंड करेगी। देन ये अपना डायग्राम आप कवर कर चुके हैं, इसके बाद थोड़ी सी कंपोनेंट्स के बारे में अपन ने बात की थी, तो एक बार इन कंपोनेंट्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, आने वाले वीडियोज़ में इन डेप्थ इनको स्टडी करेंगे। तो यहाँ है कंपोनेंट्स ऑफ एक्सरे ट्यूब जनरेटर, इट गिव्स पावर टू एन एक्सरे ट्यूब एंड कंसिस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर फिलामेंट एंड रेक्टिफायर सर्किट। अगर कंपोनेंट्स की बात की जाए तो ये जनरेटर अपने को देखने को मिलेगा पावर सप्लाई के लिए, जो भी अपने एक्सरे ट्यूब है उसको पावर सप्लाई देगा, और इसके अंदर अपने को क्या 3-4 सर्किट देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर ट्रांसफार्मर अलग से देखने को मिलेंगे, फिलामेंट्स इसके अंदर होंगे, ये अलग अलग अपने को देखने को मिलेंगे, ट्रांसफार्मर फिलामेंट्स की बात हो रही है यहाँ। देन कैथोड, कैथोड क्या है, अपना एक नेगेटिव टर्मिनल है ना, कहीं आप अभी स्टडी कर चुके हैं, और जो कि टंगस्टन का बना होगा, तो जैसे इसमें से करंट पास किया जाएगा, इस कैथोड को हीट किया जाएगा, करंट दिया जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगा, और जो भी ये प्रोसेस है उसको बोलेंगे बस थर्मोनिक इमिशन के कारण वहाँ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, ये एक इनकी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स की प्रॉपर्टी है। अभी अपन टंगस्टन को ही क्यों यूज करें, व्हाई वी यूज टंगस्टन हेयर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज टंगस्टन हैव ए हाई एटोमिक नंबर एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि टंगस्टन के पास क्या एक हाई एटोमिक नंबर है और हाई मेल्टिंग पॉइंट है, और अच्छे ये क्या है, टंगस्टन क्या है, एक अच्छे थर्मोनिक्यूमीटर भी है, गुड थर्मोनिक्यूमीटर भी है, और एक प्रॉपर्टी इनकी, इनको वायर्स के अंदर आप ड्रॉ कर सकते हैं सिंपली, इसीलिए आप उसके अंदर फिलामेंट्स के अंदर यूज, फिलामेंट यूज में यूज किया जाता है इसका, सिंगल और डबल वायरिंग के अंदर। देन फॉक्सिंग का, फॉक्सिंग क्या करेगा, ये मोलिब्डेनम का बना होगा और इसका भी हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, सेम लाइक दैट टंगस्टन का भी हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, है ना गाइस, और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई अपने को देखने को मिलेगा। देन आ रहा नेक्स्ट पॉइंट, इसका हाई एटॉमिक नंबर भी देखने को मिलेगा गाइस, ठीक है। देन एनोड, एनोड क्या है, एनोड अपना कैथोड के सामने वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये भी टंगस्टन का बना होगा, और इसके ऊपर कुछ कॉपर वगैरह की स्ट्रिप लगी होगी, उस स्ट्रिप पे ये स्ट्राइक करेंगे इलेक्ट्रॉन्स अपने। देन कह रहा है कि, और इसके जो भी है ये जो इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह टंगस्टन की है, वो सेम अपन जो कैथोड के अंदर बात की थी वही सेम है। तो यहाँ क्या हो रहा है गाइस, दो टाइप्स की रेडिएशन निकलेगी इंटरेक्शन के साथ साथ, कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, कैरेक्टरिस्टिक एंड ब्रेमस्टलिंग रेडिएशन प्रोड्यूस। देन इसके साथ साथ अपने को रीनियम भी ऐड किया जाएगा इसी टंगस्टन के साथ, या फिर कॉपर वगैरह ऐड किया जाएगा, ताकि एनोड हीट होगा या टेम्परेचर के कारण उसके अंदर कोई लीकेज वगैरह ना आए, उसका क्रैक ना हो, वरना क्या होगा, ज़्यादा हीट के कारण ये चीज़ें क्रैक होने के चांसेस भी रहते हैं। देन एनोड दो टाइप्स के अपने को देखने को मिलेंगे, सबसे फर्स्ट है स्टेशनरी एंड रोटेटरी। स्टेशनरी एक जगह फिक्स होगा, इट मीन्स देखिए गाइस, एक ही जगह पे वहाँ अपना इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एक एक जगह पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो वहाँ उसकी जो लाइफ है बहुत कम होगी, इट मीन्स इसको पोर्टेबल्स वगैरह में यूज़ किया जाएगा। वहीं अगर रोटेटरी एनोड्स यूज़ किया जाएगा अपने ओटीज के अंदर, या फिर उसके ऊपर जो डेली लाइफ में एक्सरे रूम के अंदर जो अपने मशीन होगी ना, उसके अंदर रोटेटरी होगा, उसके अंदर क्या होगा, एक देखते देख एक सर्कल सा घूमेगा, एक सर्कल होगा गाइस, वो घूमेगा, एक मतलब प्लेट होगी वो घूमेगी, अगर वो प्लेट घूम रही है तो वहाँ स्ट्राइक हो रहा है अलग अलग पॉइंट्स पे, अगर फिक्स होगा तो एक एक पॉइंट पे स्ट्राइक होगा, लेकिन अलग अलग पॉइंट्स पे फिक्स हो ये स्ट्राइक होगा, वहाँ अपने को लाइफ ज्यादा देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना गाइज, ओके थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।